लड़के शीना को बेसब्री से देखे जा रहे थे, वही शीना जो रोज रात को उनके ख्वाब में आया करती थी। शीना अपने हाथ ऊपर करके इशारा करती है, 3, 2, 1। एक होते ही तुरंत अपने सामने पड़े डीजे सेटअप पे गाना बजाना शुरू कर देती है। डीजे शीना के सामने उसका सेटअप था और उसके आगे 50 लड़के जो उसके बजाए गाने पर मदहोश होकर नाच रहे हैं। शिखर के सामने जो शीना के चाहने वालों की भीड़ थी, उसे उस भीड़ को चीरते हुए शीना तक पहुंचना है। शिखर जैसे तैसे उन नशे में नाचते लोगों के बीच में से गुजरते हुए शीना के पास पहुंचता है। शिखर शीना को इतने करीब देखकर मन ही मन सोचने लगता है कि क्या बोलूं अब। शिखर अपने इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहा था कि तभी शीना नाचते हुए गलती से उसके पैरों पर अपना पैर रख देती है और शिखर चिल्ला उठता है। शीना उसे देखकर हैरान होकर पूछती है, तुम यहां कैसे? शिखर इस सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोल ही रहा होता है कि तभी शीना खुद ही जवाब दे देती है, तुम तो बड़े लोग हो, आए होंगे 2-3 लड़कियों के साथ पैसे उड़ाने, इसके अलावा और काम ही क्या है तुम्हें? शीना के ऐसे कटाक्ष भरे शब्द सुनकर वो थोड़ा मायूस हो जाता है, लेकिन फिर अपने बचाव में कहता है, तुम जैसा समझ रही हो मैं वैसा आदमी नहीं हूं, मैं यहां तुमसे ही मिलने आया हूं। शीना एक बार फिर तंज कसते हुए बोलती है, अहो भाग्य हमारे, सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, आप जैसे बड़े आदमी आखिर हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये बात तो मुझे भी जानना है। शिखर उसके इस तंज को समझकर भी इग्नोर का फैसला लेता है और कहता है, मैं बस तुमसे। शिखर इतना ही बोल पाता है कि एक लड़का करीब 6 फीट हट्टा कट्टा शीना से टकरा जाता है। शीना उसकी तरफ देखती है, वो लड़का इसे ठरक भरी मुस्कान से देखता है, उसकी गंदी नजरें साफ साफ उसका चरित्र बता रही थी। शीना नजरअंदाज करते हुए कहती है, बोलो क्या बोल रहे थे तुम? शिखर अपना जवाब फिर से दोहराता है, उस दिन अस्पताल में जब बिल दे रहा था तुम यूं अचानक से गुस्सा होकर चली गई थी, मैं तुम्हें ढंग से सॉरी भी नहीं कह पाया था, इसलिए मैं यहां सॉरी कहने आया हूं, तुमने जो किया शायद मेरे लिए कोई नहीं करता, थैंक यू। शिखर इससे पहले कुछ और बोले, पहले ही शीना बोल पड़ती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे पैसे हैं जहां मर्जी वहां खर्च करो, मुझे इन सब से क्या। शिखर को ऐसे गुस्से भरे जवाब सुनना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोलता, बस बुत बने खड़े रहता है। कुछ समय बाद एक और बार सॉरी और थैंक यू बोलकर लौटने लगता है। वो अपनी इस मुलाकात के बारे में सोचते थोड़ी दूर चला ही था कि तभी पीछे से लोगों के शोरगुल की आवाज आने लगती है। जो गाने जोर जोर से बज रहे थे वो बंद हो जाते हैं। शिखर पीछे मुड़ता है और देखता है कि शीना उसी गंदी नजरों वाले आदमी से बहस कर रही है। शिखर आसपास वालों से बात करते हुए अभी मामला समझ ही रहा था कि उसको ऐसा कुछ सुनने में आया जिसे सुनकर वो शांत तो नहीं रहने वाला था। शिखर को पता चलता है कि वो लड़का शीना को छेड़ रहा था, उसकी कमर को पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच रहा था। ये सुनकर शिखर का खून खौल उठता है और वो सीधा जाकर उस लड़की के सामने खड़े होकर उससे बहस में भिड़ जाता है। शिखर उसे ऊंचे शब्दों में कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छूने की? लड़का जवाब देता है, तू जानता है मेरा बाप कौन है? तुम दोनों को यहां से खड़े खड़े उठवा सकता हूं। शिखर भी उसकी आंखों में आंखें डाले जवाब देता है, तुझे पता नहीं कि मैं कौन हूं? चुपचाप जो भी किया है उसके लिए झुक के सबके सामने माफी मांग, वरना इसके बाद जो होगा उसका तुझे जिंदगी भर अफसोस रहेगा। दोनों में बहसबाजी शुरू हो जाती है जिसमें दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं। तभी कुछ लोग क्लब के मैनेजर को बुलाने निकल पड़ते हैं। शिखर को यह बात पता थी कि चाहे जो हो जाए वो झुकने वाला नहीं। आज मामला इतना बढ़ जाता है कि क्लब का मैनेजर भी वहां आ जाता है। मैनेजर उस लड़के को देखकर उसकी तरफदारी करने लगता है। आते ही कहता है, रोहित सर, सर क्या हुआ? रोहित उस इलाके के विधायक का बेटा है, उससे इस इलाके में कोई भी पंगा नहीं लेना चाहता है। रोहित मैनेजर की अपनी तरफदारी करता देख और चौड़ में आकर कहता है,
कि आज ये लड़की सिर्फ मेरे लिए नाचेगी, मेरी गोद में नाचेगी ताकि मेरा हाथ इसके बदन को अच्छे से सहला सके। शिखर ये सुनकर मुट्ठी बांधता है और कुछ कहने को ही होता है, तभी शीना कहती है, मैं कोई नाचने वाली नहीं, यहाँ की डीजे हूं। शीना का ये जवाब सुनकर मैनेजर फटाक से आगे आ जाता है और जवाब देता है, तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उसमें साफ साफ लिखा है क्लब के अंदर बाकी के काम भी करने होंगे, ग्राहक को प्राइवेट सर्विस भी देनी होगी। शिखर ये सब बड़ी गौर से सुन रहा होता है, फिर कहता है, शीना ये सब काम नहीं करेगी। मैनेजर व्यंग कसते हुए कहता है, इस कॉन्ट्रैक्ट को केवल इसका मालिक ही बदल सकता है, इस क्लब को तू दुगनी दाम पे खरीद ले और बदल ले कॉन्ट्रैक्ट। ये सुनकर शिखर तमन्ना जाता है और कहता है, हाँ खरीद लूंगा, बस 3 दिन दो मुझे। मैनेजर हंसते हुए बोलता है, क्यों 3 दिन में तेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? शिखर बोला, कुछ ऐसा ही समझो। मैनेजर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके इस प्रस्ताव को मान लेता है। रोहित लेकिन इस प्रस्ताव से नाखुश होता है, वो जोर से चिल्लाता है, बंद करो ये सब, आज ये लड़की सिर्फ मेरे लिए नाचेगी, और फिर शीना की तरफ थोड़ा बढ़ता है, लेकिन शिखर सामने आ खड़ा होता है। रोहित और गुस्से में आकर शिखर का कॉलर पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, इसको तो मैं जेल में बंद करवा के रहूंगा और वहीं इसका बलात्कार करूंगा, पुलिस स्टेशन में सबके सामने इसकी इज्जत रोज उतरेगी, और उसे उतारने वाला होऊंगा मैं। शिखर ये सुनकर रोहित को धक्का देकर अपने आप को छुड़ाते हुए बोलता है, तू भले होगा किसी बड़े बाप की औलाद, तू बस 3 दिन रुक, मैं ये क्लब खरीद कर शीना को इससे आजाद और तेरी पहुंच से दूर कर दूंगा। और फिर गुस्से में ही शीना का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। रोहित उसके पीछे पकड़ने के लिए जा ही रहा होता है कि मैनेजर उसे रोक लेता है और उसको कुछ ऐसे ऑफर देता है जिसे सुन रोहित का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मैनेजर बोलता है, सर जाने दीजिए, बस 3 दिन की तो बात है, 3 दिन में पैसे नहीं लाया तो इन दोनों को जेल में बंद करवा देना, और फिर शीना भी आपकी हो जाएगी, उसके बाद खुद अकल आएगी कि उसको आपसे नहीं भिड़ना था। रोहित भी अपना हाथ झटक कर वहां से चला जाता है। शिखर शीना का हाथ पकड़कर क्लब से बाहर निकलता है। बाहर आते ही शीना अपना हाथ छुड़ाती और कहती है, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। शिखर ये सुनकर थोड़ा शांत हो जाता है और कुछ सोचकर जवाब देता है, मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रहा था। शीना लेकिन अब भी उससे नाराज थी और वो गुस्से में ही उसको जवाब देती है, तुम कौन हो मेरी मदद करने वाले, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। शिखर को कैसे भी करके अपनी बात मनवानी थी। वो कहता है, जैसे तुमने मेरी मदद की थी मुझे अस्पताल ले जाकर, वैसे ही अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। शीना चिल्लाते हुए पूछती है, क्यों, आखिर कौन हो तुम मेरे? शिखर शीना को अपने करीब खींचते हुए बोलता है, तुम्हारा शुभचिंतक। और मानो एक पल के लिए सब भुलाकर दोनों बस एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। थोड़ी देर में बिना कुछ बोले शीना वहां से चली जाती है। कमरे में बैठे रवि को अभी अभी शिखर के द्वारा सारी बात पता लगती है। जानकारी सुनकर वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, तभी शिखर उसके चेहरे को देखकर ये समझ जाता है कि रवि पक्का इस बात से नाखुश है। तभी रवि पूछता है, तो उसके लिए इतना क्यों कर रहा है? शिखर जो महसूस कर रहा था वो उसको बताता है और कहता है, उसने मेरी जान बचाई है, वो मुझे वहीं मरता छोड़ के जा सकती थी, लेकिन मुझे अस्पताल ले जाकर मेरा इलाज करवाया उसने, उसके लिए मुझे इतना तो करना ही पड़ेगा, मेरी ये जिंदगी उसकी कर्जदार है, और अब मौका मिला है तो मैं ये कर्ज उतारना चाहूंगा। तभी रवि उसे याद दिलाता है कि उसके पास तो अब एक साथ इतने पैसे भी नहीं है। उससे पूछता है, कैसे करेगा अब ये? शिखर थोड़ी देर कुछ सोचते हुए कमरे में इधर उधर टहलने लगता है। वो भी इसी सोच में था कि इतने सारे पैसे एक साथ उसे कैसे मिलेंगे। वो टहलते टहलते रुकता है और फिर तेजी से कमरे के बाहर चला जाता है। तेजी से भागता हुआ बबीता के पास जा पहुंचता है। बबीता शिखर को इतनी तेजी से आते देखकर उससे कुछ पूछती
इससे पहले ही शिखर बोल पड़ा, मुझे 6 करोड़ चाहिए। बबीता भी इतने पैसे सुनकर हैरान होकर सोच में पड़ जाती है और उससे पूछती है, तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए? शिखर बोला, मुझे एक क्लब खरीदना है और मुझे ये पैसे एडवांस में चाहिए, मैं तुम्हारी कोई भी बात मानने को तैयार हूं। बबीता उसे साफ साफ मना कर देती है कि वो उसे इतने पैसे नहीं दे सकती। शिखर उस पर जोर डालते हुए बोलता है, तुम एक बार शुभचिंतक से पूछो ना, मुझे इन पैसों की बहुत आवश्यकता है। शिखर के इतना जोर डालने पर बबीता अपना फोन निकालकर शुभचिंतक को संदेश भेजती है। शिखर बड़ी बेसब्री से जवाब आने का इंतजार कर रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि काश शुभचिंतक उसको पैसे के लिए हाँ बोल दे, बदले में भले उससे जो बोले करने के लिए वो सब कुछ करेगा। वो इसी सोच में पड़ा था कि तभी बबीता उससे कहती है, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकती। शुभचिंतक द्वारा शिखर को पैसे देने से मना कर दिया गया था। शिखर उस पर और जोर डालते हुए कहता है कि एक बार और पूछो उनसे, लेकिन बबीता मना कर देती है, जिसके कारण शिखर उसके हाथ से फोन छीन कर खुद ही मैसेज लिख के भेज देता है, लेकिन उधर से जवाब नहीं आता है। शिखर गुस्से में फोन फेंक कर वहां से तेजी में निकलता है और अपने घर जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में घुसता है, जोर से दरवाजा बंद करता है। दरवाजे की आवाज से अचानक रवि चौंक उठता है। शिखर को इतना गुस्से में देख कर रवि समझ जाता है कि पक्का इसे पैसे तो नहीं मिले। वो उससे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन शिखर को इतना गुस्से में देखकर वो चुपचाप उसको घूरते बैठा रहता है। शिखर गुस्से में आकर बिस्तर पर बैठ जाता है। वो इसी सोच में है कि वो पैसों का इंतजाम कैसे करे। उसको शुभचिंतक से उम्मीद थी, लेकिन वहां से भी पैसे नहीं मिल सके। वो इसी सोच में पड़ा हुआ था कि तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रवि जल्दी से उठ खड़ा होता है और जाकर दरवाजा खोलता है। शिखर इतने गुस्से में होता है कि वो दरवाजे की तरफ देखता भी नहीं। बबीता अंदर आती है और शिखर के पास जाकर कहती है, उन्होंने एक उपाय बताया है। ये सुनकर शिखर उत्सुकता भरी नजरों से बबीता की तरफ देखता है और तुरंत पूछता है, क्या? बबीता उससे कहती है कि तुम्हें एक छात्रवृत्ति की परीक्षा देनी होगी, अगर तुम उसमें पास होते हो तो शुभचिंतक तुम्हें 6 करोड़ क्या 10 करोड़ भी दे देंगे। शिखर इस समय बबीता की कोई भी बात मानने को तैयार था। हाँ हाँ मैं कर लूंगा। बबीता उसको फिर परीक्षा के बारे में बताती है। ये परीक्षा नेशनल लेवल पे आयोजित की जाती है। इसमें करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे भाग लेते हैं, जिसमें से लगभग कुछ 1000 ही चुने जाते हैं। ये सुनकर रवि शिखर का मुंह ताड़ने लगता है। शिखर बबीता के किसी भी बात को ढंग से नहीं सुनता। वो बस इसी में खोया रहता है कि उसे पैसे मिल जाएंगे। वो इन पैसों के लिए कोई भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि जैसे ही उसको पैसे मिलेंगे, वो सबसे पहले जाकर सीधे मैनेजर के मुंह पे पैसे मारेगा और शीना को हमेशा के लिए आजाद करवा देगा। लेकिन तभी वो कुछ ऐसा सुनता है जिसके कारण उसकी सारी मनोकामनाएं उसे ओझल दिखाई देने लगती है। बबीता उससे कहती है कि तुम्हारी परीक्षा 5 दिन बाद है। ये सुनकर शिखर को मानो किसी ने जकड़ लिया हो। वो तो अपनी जगह से हिल ही नहीं पाता, लेकिन कैसे भी करके वो बबीता की तरफ मुड़ता है और कहता है, लेकिन मुझे पैसे 3 दिन में चाहिए। बबीता गंभीरता भरे चेहरे के साथ कहती है, जैसा मुझे शुभचिंतक ने कहा बताने को, मैं वही कर सकती हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। बबीता उसे जाते जाते कहती है, 5 दिन बाद तैयार रहना। क्या शिखर बचा पाएगा शीना की इज्जत? कैसे करेगा शिखर 3 दिन में पैसों का इंतजाम? आगे जानने के लिए सुनते रहिए मिलिनेयर डिलीवरी बॉय।